हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सागर। तो आज हम देखने वाले वैदिक मैथ्स की एक ऐसी शानदार ट्रिक जिससे आप किसी भी नंबर के क्यूब्स को निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं और आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा और जब कभी भी क्यूब वगैरह आएंगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये लगाइएगा ट्रिक और आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और बहुत सारी वीडियोस हमने अवेलेबल करा रखी है वैदिक मैथ्स की, शॉर्ट ट्रिक नाम के फोल्डर से है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए और यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं आज का नया कॉन्सेप्ट वैदिक मैथ्स के साथ। तो देखिए हमारे पास है 23 का क्यूब। सर आप ट्रेडिशनल मैथड करेंगे, आप 23 × 23 × 23 विल टेक टाइम। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको देखिए करना है क्या। ये मान लीजिए सपोज टू बी ए है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आप खुद कर सकते हैं। फिर ये आपको 1 से लेकर 99 तक काम आएगा, बहुत ज्यादा। बाकी मैं आगे दूसरे नंबर्स की भी लाता रहूंगा, 3 डिजिट्स की, तो ऐसे करके 1 से लेकर 1000 इनफ होता है। देखिए ए तो कैसे, ए क्यूब, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी क्यूब, बस इतना ध्यान रखना आपको और कुछ नहीं करना। तो अपने पास ए कौन है, 2। तो देखिए 2 का क्यूब हो गया आपके पास 8 प्लस ए स्क्वायर भी, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 और बी का क्यूब इट्स 8, 27। ओके 3 है ना, 27। अब देखिए बस एक छोटी सी चीज करनी है आपको, बीच वाले को हमेशा आप डबल कर दीजिए। 12 है तो कितना हो गया 24, 18 है तो डबल 36। नाउ ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं करना। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा जो ये वाली कॉलम्स हैं, बॉक्सेस हैं, इधर सिर्फ आपको सिंगल डिजिट चाहिए, इधर कितनी भी डिजिट चलेगी। तो 7 लिया, 2 कैरी फॉरवर्ड इट, तो 18 प्लस 2 इट्स 20, 20 प्लस 36 इट्स 56, 6 5 यहाँ फॉरवर्ड हो गया। ओके और यहाँ देखिए 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 5, ओके 6 प्लस 5 कितना हो गया आपका 11, तो 1 यहां चला गया, 11 हो गया और 1 2 3 4 यहां चला गया कैरी फॉरवर्ड और 4 प्लस 8 इट्स 12, तो 1 2 1 6 7 दिस इज द क्यूब। कुछ नहीं किया हमने, देखिए फिर समझिए, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, तो बीच वाले को आपको डबल करना है। डबल करके आप ऐड कर दो, ध्यान ये रखना कि इधर वाले डिजिट सिंगल होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं और फिर आप लोग उसको कर सकते हैं, मैं वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहता। तो आपको पता है एज यूजुअल ये ए है और ये है बी, ठीक। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको बेटा, फॉर्मूला बताया मैंने आपको, इट्स ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर एंड बी क्यूब। वैल्यूज को पुट करिए, ए क्यूब 4 का क्यूब, 4 स्क्वायर इंटू 1, 4 इंटू 1 स्क्वायर एंड 1 क्यूब। ओके नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इट्स 64, इट्स 16, 4, 1। नाउ जस्ट डबल द सेंटर वैल्यू, इसको इसको छोड़िए, इसको डबल कर लीजिए, तो 32, 8। नाउ सम अप करिए, अब सम कर दीजिए, तो यू कैन सी इट्स 1, 4 प्लस 2 इट्स 12, कैरी 1 फॉरवर्ड इट, ओके तो 1 7 9 एंड 1 प्लस 4 तो 49 हो रहा, तो 4 सीधा सीधा फॉरवर्ड हो जाएगा, 6 प्लस 4 इट्स 68, तो इट्स 6 8 9 2 1, दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूब ऑफ 41। ऐसे करके आप 1 से लेकर 99 तक के क्यूब विदाउट एनी ह्यूज कैलकुलेशन यू कैन फाइंड आउट। और 1 से लेकर 9 तो याद होगा आपको, आई नो 1 से लेकर 9 तक के क्यूब तो आपको याद हो, याद करने पड़ेंगे क्योंकि आप कोई से भी क्राइटेरिया जो मैं बताऊंगा आपको फ्यूचर में, वो सारी चीजें यहीं से निकल के आती है। तो इट्स ऑल अबाउट वैदिक मैथ्स, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।